के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मानसी यादव। न्यूज एट द रेट 11 में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अयोध्या की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव हुआ है। अयोध्या से खबर, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव। तय कार्यक्रम को संपन्न कराने के बाद सीएम का फैजाबाद दौरा। अयोध्या में चल रही विकास की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। इसी के साथ हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के बाद रामलला का दर्शन करने जाएंगे सीएम। अयोध्या से खबर, जहां सीएम योगी के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव सामने आ रहा है। राम जन्मभूमि के लिए बनाए जा रहे 80 फुट चौड़े मार्ग का निरीक्षण करेंगे सीएम। इसी के साथ मल्टी लेवल पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। कल सुबह 9:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो अयोध्या से खबर बता रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव सामने आ रहा है। तय कार्यक्रम में बदलाव की खबर सामने आ रही है। तय कार्यक्रम को संपन्न कराए जाने के बाद सीएम का फैजाबाद दौरा होगा। अयोध्या में चल रही तमाम विकास की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन के बाद रामलला का भी दर्शन करेंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अखंड प्रताप सिंह संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अखंड, सीएम योगी के कार्यक्रम में बदलाव देखने को मिल रहा है, जो तय कार्यक्रम था उसमें थोड़ा सा आंशिक बदलाव देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में जो बदलाव हुआ था, पहले ये हुआ था कि सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे जो ये महाराणा प्रताप की मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे, उसके बाद जो है फिर जो है आएंगे दलित बस्ती में, वहां पर भोजन करेंगे। लेकिन उनमें कहीं ना कहीं काफी बदलाव हुआ है। इसके बाद सीधा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो सबसे पहले वो यहाँ अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, चाहे वो मल्टी लेवल पार्किंग हो, चाहे फिर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका करेंगे। और साथ में हम आपको बता दें कि जो टेढ़ी बाजार है, टेढ़ी बाजार से थोड़ी दूर पर एक रेलवे ओवर ब्रिज बन रहा है उसका भी निरीक्षण करेंगे। और उसके बाद सारे कार्यक्रमों को खत्म करने के बाद वो दलित बस्ती पहुंचेंगे, जहाँ वहां पर भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद फिर जो लास्ट प्रोग्राम होगा वो सीधा वहां जाएंगे, महाराणा प्रताप की मूर्ति जहां बन रही है वहां पर जो मूर्ति है उसका अनावरण करेंगे, फिर वो वहां से सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे फैजाबाद के लिए। और उस वहां पर जो अयोध्या के साधु संत समाज है उनसे समीक्षा बैठक करेंगे और सभी कार्यों का जायजा लेंगे। जी देखिए, जिस तरह से सीएम के कार्यक्रम की बात करें तो पहले से ये जो कार्यक्रम होते हैं, सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे ये जो थोड़े बहुत बदलाव किए गए, बड़े लेवल पे ना किए गए हो, आंशिक बदलाव किए गए, क्या कुछ कारण समझ में आ रहा है जिस वजह से सीएम योगी के प्रोग्राम को लेकर थोड़े बहुत ये जो बदलाव है वो किए गए? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, जो ये महाराणा प्रताप की मूर्ति है जिसका अनावरण करना है वो फैजाबाद में पड़ता है, और फैजाबाद और उसकी अयोध्या की दूरी 6 से 7 किलोमीटर के बीच पड़ जाती है, फिर पुनः वापस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ आना पड़ता है। इस वजह से आंशिक बदलाव किया गया है। सबसे पहले वो अयोध्या के जितने भी कार्यक्रम है उनको निपटाएंगे, उसके बाद जो यहाँ पे अधिकारी लोग हैं उनसे समीक्षा बैठक करेंगे, और जो जितने भी विकास कार्य योजनाएं हैं उसकी भी समीक्षा बैठक करने के बाद ही वो फैजाबाद के लिए रवाना होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखंड प्रताप जी तमाम जानकारी देने के लिए हमें। तो अखंड बता रहे थे हमें जिस तरह से कुछ कारणों की वजह से सीएम योगी के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किए गए हैं। तय कार्यक्रम संपन्न करने के बाद सीएम योगी फैजाबाद दौरे पर भी जाएंगे, और इसी के साथ कल सुबह 9:30 बजे लखनऊ रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।